नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेशीष चंद है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नी एंड हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड है। बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल पेशेंट्स हम लोगों को ये सवाल पूछते हैं क्योंकि बहुत से पेशेंट बाहर से सर्जरी कराने आते हैं तो कहते हैं क्या सेफ पीरियड है जिसमें हम सर्जरी करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रैवल करना है फ्लाइट से, मतलब कि इंडिया के अंदर अगर आपको ट्रैवलिंग करना है फ्लाइट से, तो 2 से 3 हफ्ते कम से कम आपको डिले करना चाहिए क्योंकि जब हम फ्लाई करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसको कमाने के लिए आप 2 से 3 हफ्ते शॉर्ट ट्रैवल्स एंड कम से कम 4 से 6 हफ्ते अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो 4 से 6 हफ्ते रुकने की ज़रूरत है।